गरीब किसान क्रिकेट पिच मेकिंग। मुंबई नाम के शहर से थोड़ी दूर रामापुर नाम का एक गांव था। गांव में सब शहर के लिए जरूरतमंद सब्जियां उगाते थे। उस गांव में मुकेश नाम का एक किसान अपने खेत में टमाटर की फसल उगाया। थोड़े दिनों में ही फसल अच्छे से उगने के कारण उन टमाटरों को एक वैन में लेकर मार्केट को गया। उसे देखकर मार्केट यार्ड में रहने वाला राठौड़, क्या भाई, दो दिन पहले आना था, अब केजी टमाटर 2 रुपए हो गए हैं, कहा। मुकेश तब, क्या बात कर रहे हो भाई, सिर्फ 2 ही दिनों में 50 रुपए के टमाटर 2 रुपए के कैसे हो गए, कहा राठौड़। मैं क्या करूं भाई, रेट ज्यादा है कहकर सभी ने सारा माल अभी लाया है और सरकार भी विदेश से माल मंगवाए हैं, बस एकदम से दाम घट गए हैं, कहा। ये सुनकर मुकेश टमाटरों को जमीन पे फेंक कर वहाँ से पैदल चलते हुए जाने लगा। ऐसे थोड़ी दूर आने के बाद रोड पे क्रिकेट खेल रहे बच्चे बॉल से मुकेश को मारे। ये देखकर मुकेश उनसे, क्यों रे, दिमाग नहीं है क्या, तुम्हारे लिए खेलने के लिए जगह नहीं है क्या, यहाँ पर क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, कहा। तो वो बच्चा, सॉरी अंकल, हमारे गांव में खेलने के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है ना, चलने के लिए रोड ही ठीक से नहीं रहते, हमारे लिए ये रोड ही ग्राउंड है, थोड़े बड़े लोग गांव के बाहर खेतों को बाड़े पे लेकर क्रिकेट पिच तैयार करवा रहे हैं, जानते हो। उसके बातों से मुकेश सोच में पड़ गया और वहाँ से आ गया। बाद में गांव में रहने वाले थोड़े युवकों के पास जाकर उनसे अपने क्रिकेट ग्राउंड के आइडिया के बारे में बताया। ये सुनकर वो लोग मुकेश की मदद करने के लिए तैयार हुए। सब मिलकर उसके खेत में सारे पौधों को उखाड़ कर ग्राउंड को साफ किए। थोड़े दिन मेहनत करके क्रिकेट पिच को तैयार किए। ये बात पता करके मुकेश की पत्नी रूपा वहाँ पर आकर, ओ जी, आप क्या कर रहे हैं? सोने जैसे खेत को ऐसे ग्राउंड के जैसे क्यों बदल रहे हैं? पूछी मुकेश तब। क्यों क्या, पिछले 2 सालों से हमने कई तरह के फसल डाला, एक फसल से भी कर्ज चुका नहीं पाए ना, मैंने कितना कर्ज किया था, तुम टेंशन मत लो, इससे मैं पैसे कमा कर दिखाऊंगा, कहा। बाद में वो लोग क्रिकेट पिच को तैयार किए। उसके बाद सिटी में मुकेश और बाकी के युवक मिलके अपने क्रिकेट ग्राउंड के बारे में पाम्पलेट छपा कर शहर में सबको बांटे। ऐसे धीरे धीरे वो ग्राउंड मशहूर होने के कारण क्रिकेट खेलने के लिए सोचने वाले लोग मुकेश के क्रिकेट पिच के पास आकर पैसे देकर खेलना शुरू किए। ऐसे देखते देखते ही मुकेश का क्रिकेट पिच बहुत मशहूर हुआ। उतना ही नहीं, मुकेश उस क्रिकेट पिच में एक कोच को रखकर बच्चों को क्रिकेट कोचिंग भी देना शुरू किया। सब कुछ अच्छे से चलने लगा था। एक दिन उस क्रिकेट पिच के पास गांव का प्रेसिडेंट मुकेश को आमदनी में से आधा हिस्सा पूछा, नहीं तो उस क्रिकेट पिच को नाश कर दूंगा कहकर मुकेश को धमकाया। ये देखकर क्रिकेट खेल रहे लड़कों को मुकेश बुलाया और उनसे, भाइयों, हमारे प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, इसलिए उन्हें घूस दें, कल से क्रिकेट को देने वाले फीस के पैसे मैं डबल कर रहा हूँ, सर को भी पैसा देना है ना, नहीं तो मुझे पैसे कैसे बचेंगे, कहा। उसके बातों से प्रेसिडेंट डर कर, अरे मुकेश, मैंने तुमसे क्या पूछा, तुम बच्चों से क्या कह रहे हो, मैं बच्चों को क्रिकेट की चाहिए तो डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ कहने आया था, वैसे भी ये सब उनसे बोले तो कैसे, कहकर उन बच्चों के हाथों में 10,000 रुपए रखकर वहाँ से भागा। बस तब से कभी भी वो प्रेसिडेंट मुकेश के क्रिकेट पिच के आड़े नहीं आया।